नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल बस स्टैंड के निकट आज दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसके सर पर गंभीर चोट लगी है और उसे सिविल हॉस्पिटल नंगल में उपचार के लिए ले आया गया, जहां घायल युवक के सर पर टंके लगने की जानकारी मिल रही है। हालांकि जब तक हमारी टीम मौके पर पहुंचती तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस मौके पर उपस्थित लोगों की माने तो एक युवक बस स्टैंड के निकट बस का इंतजार कर रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, तो उस लड़की के साथ उसके परिचितों ने जब उक्त युवक को रोकने का प्रयास किया तो उक्त युवक ने अपने और साथियों को बुला लिया और लड़ाई ने उग्र रूप धारण कर लिया। क्या कहा एक प्रत्यक्षदर्शी राम कुमार ने, पहले जे सुने। राम क्या है, कुड़ी बैठी थी बस स्टैंड के अंदर, साड़ी बस लगी हुई थी, मुंडे आए, वो कुड़ी हैगी नेपाल की, कहिंदे चाइना बार्डर कित्थे बैठा वा, वो कुछ नहीं बोली। दूजी बार फिर आए, फिर यही गल कही उन्हें भी चाइना बार्डर कित्थे बैठा, वो मुंडा कुड़ी के नाल मुंडा था, उसका भरा था, कौन था, उन्हें कहा हाँ भी दस क्या गल है, जो छेड़ता तू, कहिंदे करना जो करना कर लै, चलो असीं उत्थे खड़े थे, असीं हटाते, यार चलो माफ़ी मंग, माफ़ी मंगी नहीं उन्होंने, वो बाहर आके इतने उन्होंने लड़ाई हो गई, उन्हें मुंडे बुला ले होर इतने लड़ पे आपस, काफ़ी लड़ाई हुई। हाँ काफ़ी लड़ाई हुई, तीन नट गए, इक्के फड़ होया जिहड़ा, वो गया लैके पुलिस वाले जी ने लैके गए। जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु एएसआई केशव कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मारपीट में एक युवक घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल लाया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करने पर ही पता चलेगा कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों। क्या कहा एएसआई केशव कुमार ने, आप खुद ही सुने। क्या था इसकी जी, बस स्टैंड झगड़ा हो रहा है, तो एक लड़के ने सट्ट लगी थी, दवाई दवाने आए थे, जाके तफ्तीश करते हैं की वजह सी, की कारण पता लगया, लड़ाई तक कुछ नहीं पता लगा। हां नहीं पता लगया कि लड़ाई लड़की ना छेड़खान का मसला सी, तो कुछ दस रहे थे पर हजे कुछ गल क्लियर नहीं हुई, हुण जाके पता करते जी, दूसरी धिर बुलाइए थाने। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਲੀ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਪਕੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਨੰਗਲ ਸੇ ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।